So now coming to the next question, this is question number 9 of set 1, question number 10 of set number 2 and set number 3 main question, Nehida. So the question says the probability of selecting a blue marble at random from a jar that contains only blue, black and green marbles is 1 upon 5. So question we are given hai ki dekho, ek jar hai jiske andar blue color ki marbles hai, black color ki marbles hai and green color ki marbles hai. ओके अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है दैट इज कि ब्लू मार्बल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, सो प्रोबेबिलिटी कि अगर आप रैंडमली मार्बल निकाल रहे हो तो वो ब्लू कलर का होगा दैट इज 1/5. ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/4. अब इसी जार में से अगर हम एक ब्लैक मार्बल निकालते हैं सो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/4. Okay, then if the jar contains 11 green marbles, अब अगर जार के अंदर number of green marbles आपको given है कि देखो जार के अंदर 11 green color के marbles है, find the total number of marbles in the jar. So आपको find करना है कि total number of marbles कितने होंगे. अब देखो ना तो हमें blue का number given है ना black का given है, सिर्फ green का given है. इन दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, सो इन दोनों की जो हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है उसकी हेल्प से हम ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे. अब उससे क्या होगा, ग्रीन मार्बल की आपके पास प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स भी आ जाएंगे, तो उन दोनों की हेल्प से हम टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले निकालते हैं ग्रीन वाले की प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो तीन ही तो कलर की यहाँ पे वो मार्बल्स हैं, दो की प्रोबेबिलिटी आपको पता है. अगर मैं इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूं, ये 1/5 है, ये 1/4 है, सो हमें पता है कि नॉट हैपनिंग, इवन हैपनिंग और इवन नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है. अगर ब्लू और ब्लैक मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो उस ये ब्लू और ब्लैक ना निकले इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, 1 माइनस ये हो जाएगा, 1 में से अगर हम ये माइनस कर देंगे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी. सो 1 माइनस का मतलब क्या है कि अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि ब्लू और ब्लैक मार्बल नहीं निकलेगा. तो अगर ब्लू और ब्लैक मार्बल नहीं निकलेगा तो कौन सा मार्बल निकलेगा, ग्रीन कलर का, करेक्ट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, अब ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 1 माइनस और यहाँ पे 1/5 प्लस 1/4. सो इसको सॉल्व कर लेते, दिस इज 1 माइनस, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 और 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 5 × 4 सो ये हो गया 4 प्लस 4 × 5 सो ये भी हो गया 5. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 5 6 7 8 9 9/20. अगेन आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, सो अब एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 20. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 है सो ये हो गया 20 माइनस 9, सो दिस इज 11/20. अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई ग्रीन मार्बल की 11/20. अब ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी अगर 11/20 है तो पहली बात तो यहां से बहुत सिंपली आपको पता चल रहा है कि नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने थे, 11. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अगर यहाँ पे 11/20 जा रहा है सो देयरफॉर टोटल मार्बल 20 ही तो होंगे. हम ये करते ना फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, बट इस तरह से हम यहाँ पे ऐसे एकदम से छोटा सा लॉजिक लगा के नहीं निकाल लेंगे, हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे. दैट लेट बी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स बी एक्स. तो हमने एक्स ले लिया कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे वो है, यहाँ पे लिख देते लेट दी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो उसको हमने एक्स ले लिया. अब यहाँ पे हमें बाकियों का नंबर तो नहीं पता बट ग्रीन का पता है और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी भी पता है. सो ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दू, बिकॉज एक्स टोटल नंबर में से ही तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकली है, सो ये इक्वल होगा 11 की, क्योंकि इसके हमें नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स पता है, राइट. सो अगर नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स आपको पता है, टोटल पता है, तो उसको अगर मल्टीप्लाई उसकी प्रोबेबिलिटी से करोगे तो वही आएगा, करेक्ट. सो इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, सो डिवाइड होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 20/11. 11 से 11 कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 20. सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आर 20. ओके, सो ये था हमारा.
1, question number 2 or set number 10. Sorry, question number 10 or set number 2. So, now let's move to the next question.